बिग बॉस 17 शुक्रवार का वार में आज सलमान की जगह करण जौहर ने लगाई घर वालों की वाट। एपिसोड की सारी हाइलाइट्स के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। अनुराग मनारा से कहते हैं कि तुम मुनव्वर की शैडो में खेलने लगी हो और अपनी इंडिविजुअलिटी खोती जा रही हो। मनारा पूछती हैं कि तुम्हारे और मुनव्वर के बीच क्या प्रॉब्लम है। अनुराग कहते हैं कि ये बाहर की बात है जो मैं अभी नहीं बोल सकता। मनारा और सना बात करते हैं। मनारा कहती है कि विकी को मेरी दोस्तियों से प्रॉब्लम है। वो ये भी कहती हैं कि विकी डिवाइड एंड रूल प्ले कर रही हैं। इस बात पर विकी, अंकिता और मनारा में बहस हो जाती है, जिसका पार्ट अनुराग भी बन जाते हैं। अंकिता अभिषेक से कहती है कि मनारा का हर समय स्टैंड लेने के लिए जल्दी ही मेरी और मुनव्वर की लड़ाई होगी। मुनव्वर इस बात पर अंकिता से बात करते हैं। अंकिता कहती है कि मैं कभी भी मनारा के बारे में गलत बात नहीं करती, लेकिन मुझे ये पता है कि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और तुम और मनारा बहुत ज्यादा क्लोज हो। सना मनारा से पूछती है कि क्या तुम मुनव्वर को पसंद करती हो। मनारा कहती है कि मैं उसे सिर्फ एज अ फ्रेंड पसंद करती हूँ। अभिषेक और खानजादे के बीच बातचीत होती है और दोनों पैचअप करने का ट्राई करते हैं। अभिषेक खानजादे से माफी मांगते हैं, लेकिन खानजादे उनकी अपॉलोजी रिजेक्ट कर देती हैं। मनारा और मुनव्वर बात करते हैं। मुनव्वर कहते हैं कि मेरे लिए यहाँ सब कंपटीशन है, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ कंपटीशन कौन है। मनारा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों टॉप टू में हों। बिग बॉस घर वालों को एक टास्क देते हैं, जिसमें सब घर वालों को विक्की और अनुराग में से एक एक करके एक कंटेस्टेंट को ट्रोल करते हुए कॉमेंट देने हैं। टास्क के दौरान समर्थ विकी को मास्टरमाइंड नहीं मास्टर ब्लाइंड कहते हैं, जिस पर दोनों में जमकर बहस हो जाती है। खानजादी क्योंकि विकी और अनुराग दोनों की दोस्त हैं, तो वो दोनों में से किसी को भी कोई टैग देने के लिए मना कर देती हैं। बिग बॉस के बोलने के बाद भी वो टास्क पूरा नहीं करती। टास्क के एंड में सबसे ज्यादा टैग अनुराग को मिलते हैं। करण घर वालों से बात करते हैं। वो अनुराग को बैश करते हुए कहते हैं कि उन्होंने कंप्लेंट्स और क्विटिंग करने में रिकॉर्ड बना दिया है। वो अनुराग से कहते हैं कि बिग बॉस ने लीगल फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दी हैं और आपकी टीम से भी बात कर ली है। करण अनुराग से फाइनल डिसीजन पूछते हैं कि क्या आप घर से जाना चाहते हैं। अनुराग कहते हैं कि मैं घर में रहना चाहता हूँ। करण घर वालों को अनुराग के एटीट्यूड के लिए जिम्मेदार बताते हैं। इसके बाद करण जौहर खानजादी से बात करते हुए कहते हैं कि घर के कुछ लोग उन्हें अटेंशन देते हैं, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करती हैं। करण खानजादी की बीमारी के बारे में कुछ फैक्ट्स घर वालों को क्लियर करते हैं। खानजादी रोने लगती है और घर से जाने के लिए कहती हैं। करण कहते हैं कि खानजादी ने लास्ट वीक सलमान खान के साथ भी ऐसे ही डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया था और मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूँगा। मुनव्वर के लिए स्टैंड लेते हुए करण कहते हैं कि मुनव्वर रिश्तों में खिंच रहे हैं और उनके दोस्त उनसे दोस्ती का सर्टिफिकेट मांगते रहते हैं। इस बात पर वो मुनव्वर के दोस्त नंबर वन अभिषेक की जमकर क्लास लगाते हैं। करण कहते हैं कि तुमने तो मनारा और मुनव्वर के रिश्ते को भी अलग ही नाम दे दिया। सो गाइस, आज सलमान की जगह करण जौहर का ये रोस्टिंग सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल जस्ट शोबिज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।